तो गाइस 1 लीटर में ये बाइक चलेगी। फिलहाल मुझे तो इतना कम मैंने सोचा नहीं था गाइस, मैंने सोचा था कि और भी ज्यादा माइलेज जो है वो निकल पाएगा। सो हेलो गाइस, मैं हूं निमेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिप मोटर ब्लॉग्स। सो गाइस आप लोग कैसे हो? तो आज का वीडियो क्या होने वाला हो तो आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा। तो आप लोग बहुत दिन से जानते हो कि मैंने एक नया एवेंजर 160 लिया है, मेरा गैरेज में है, तो इसका ब्लॉग ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, बहुत लोग जानते भी हो। तो मुझे बहुत सारे गाइस कमेंट आए उस वाले वीडियो पे कि इस बाइक का माइलेज कितना देता है, बहुत लोग मुझे डीएम भी किक कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक आप लोगों के लिए डिटेल माइलेज टेस्ट वीडियो बना दी जाए कि बाइक कितना देता है। और मैं माइलेज टेस्ट जो करूंगा ना, मेरा माइलेज टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। जो लोग पहले भी मेरा माइलेज टेस्ट वीडियो देख चुके हैं दूसरे बाइक या स्कूटी पे, उन लोगों को पता है तो क्या अलग होने वाला होता है, पूरा वीडियो देखने से पता चलेगा। पूरा वीडियो गाइस जरूर एंड तक देखना। तो चलो चलते हैं, बाइक को निकालते हैं और मैसेज वीडियो जो है शुरू करता हूँ। और अगर मेरे चैनल पर नया हो तो जल्द अभी सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि मैं इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलो चलते हैं, बाइक निकालते हैं और आप लोगों से डायरेक्ट मिलता हूं मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पर। तो गाइस ये है मेरा न्यू एवेंजर स्ट्रीट 160, जिसका ऊपर आप लोग ऑलरेडी वीडियो देख चुके हो और बहुत लोगों ने पूछा था कि इस बाइक माइलेज कितना देता है। मैंने ऑलरेडी राइड रिव्यू वीडियो बना चुका हूँ और आप लोगों ने बहुत लोग है जो पूछा मुझे कमेंट किया इंस्टाग्राम पर, डीएम किया कि इस बाइक माइलेज देता कितना है। तो गाइस आज इस बाइक को करेंगे माइलेज टेस्ट। तो बाइक में थोड़ा पेट्रोल बचा हुआ है, तो चलो देखते हैं बाइक स्टार्ट होता है कि नहीं, बहुत दिन से पड़ा हुआ था। पेट्रोल तो एकदम भी नहीं लगता है। चलो स्टार्ट हो गया फाइनली, थोड़ी देर आइडल कंडीशन पे रखते हैं, वार्म अप होने देते हैं, फिर चलेंगे इस बाइक को करेंगे आज माइलेज टेस्ट। तो गाइस बाइक की टोटल ओडो दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसे कि देख पा रहे हो 13,640 किलोमीटर टोटल चला है और ट्रिप 83.8, तो कुछ किलोमीटर चला लेते हैं पहले। तो मिसिंग करना बाइक स्टार्ट हो चुका है, बाइक में थोड़ा सा पेट्रोल बचा है, पहले वो पेट्रोल जो है पूरा ख़त्म कर लेते हैं। तो बाइक मिसिंग मारना स्टार्ट हो चुका है, मतलब पेट्रोल जो है वो पूरा ख़त्म होने ही वाला है। तो गाइस बाइक का पेट्रोल जो है ख़त्म हो चुका है। चलो देख सकते हो पेट्रोल जो है पूरा ख़त्म। चलो फ्यूल डाल लेते हैं टैंक में। एकदम पूरा ख़त्म था पेट्रोल, टैंक को जो है मैंने पूरा खाली कर लिया, उसके बाद डाला मैंने 1 लीटर पेट्रोल, जैसे गाइस आप लोग देख पा रहे हो। तो डाल दिया 1 लीटर, थोड़ी देर रखते हैं ऐसे बाइक को क्योंकि पेट्रोल जाने में भी टाइम लगता है। और ट्रिप जो है इसमें आप लोग एक ही ट्रिप मिलता है, उसको कर लेते हैं ज़ीरो। जैसे देख पा रहे 84.1 था, इसको कर लेते हैं ज़ीरो। चलो गाइस ज़ीरो हो गया और आप लोगों को टोटल ट्रिप भी दिखा देता हूँ। 13,641 किलोमीटर टोटल ओडो है और ट्रिप मैंने ज़ीरो कर लिया। चलो बाइक स्टार्ट हो चुका है, अभी देखेंगे इस बाइक का कितना माइलेज निकल के आता है। और जैसे कि आप लोग पता ही है कि मैं नॉर्मल से माइलेज टेस्ट नहीं करता हूँ, थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप होता है, मतलब मैं विथ पिलियन टेस्ट करता हूँ। तो मेरे साथ आज और एक दोस्त रहेगा, उसको भी मैं अभी पिकअप करने जा रहा हूँ। अभी मैं सोलो चला रहा हूँ और मुझे लगता है कि भाई माइलेज इजीली 40 के ऊपर माइलेज दे देगा, क्योंकि 160 सीसी का इंजन है और थोड़ा रैश भी चलाएगी बाइक को। तो पहले कुछ देर किलोमीटर हम लोग गलियों के अंदर घूमेंगे। तो गाइस ये है मेरा दोस्त विश्वजीत, जिसको मैंने अभी पिकअप करने आया हूँ, ये बैठेगा पीछे बस। तो गाइस चलो फाइनली बाइक में पेट्रोल जो है डालना हो गया है और मैंने विश्वजीत को भी पिकअप कर लिया गाइस। तो अभी चल रहे हैं माइलेज टेस्ट करने के लिए। अभी हूँ मैं ट्रैफिक मोड पे और आप लोगों को पता ही है कि मैं हर वक्त जो मेरा माइलेज टेस्ट होता है वो अलग होता है। अलग यही होता है कि गाइस सब लोग जो टेस्ट करता है वो एकदम सिंगल और हाईवे के ऊपर में टेस्ट करता है, लेकिन मैं टेस्ट करूंगा इस बाइक को ट्रैफिक कंडीशन पे
विथ पिलियन, क्योंकि गाइस हर वक्त ऐसा नहीं होता है कि आप लोग सिंगली बाइक को राइड करोगे और हाईवे पे, ज़्यादातर आप लोग राइड करोगे नॉर्मल से सिटी रोड पे, ट्रैफिक कंडीशन पे। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग हर वक्त सिंगल राइड करोगे, विथ पिलियन भी राइड करोगे बहुत टाइम ऐसा होगा। तो इसके लिए मैं टेस्ट करता हूँ हर वक्त, मेरा जितना भी मैसेज वीडियो आप लोग चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाके, मैं हर वक्त टेस्ट करता हूँ विथ पिलियन और ट्रैफिक कंडीशन में गलियों में। उससे क्या होता है गाइस, एक्चुअल माइलेज निकल के आता है और आप लोगों को भी मैं रियल माइलेज जो है वो बता सकता हूँ। और अगर आप लोग सिंगल इस बाइक को राइड करोगे उस टाइम पे और भी ज़्यादा माइलेज निकल के आएगा, अगर हाईवे पे अगर चलाओगे और भी ज़्यादा माइलेज निकल के आएगा। तो जैसा मैं आप लोगों को बताऊँगा, एक आइडिया आप लोग आ जाएगा कि इस बाइक कितना देता है। तभी गाइस मैं 60 के ऊपर इस बाइक को कुछ देर किलोमीटर चलाऊँगा ट्रैफिक वाले रोड पर। जैसे देख पा रहे हो बाइक अभी 70 के आसपास है। थोड़ा गाइस अभी बाइक को पूल करके चला रहे हैं। पूरा एकदम खींच रहे हैं बाइक को। ये बाइक चलती है ना 70-80 तक आप लोगों को एकदम ही मालूम नहीं पड़ेगा कि बाइक 70-80 पे चल रहा है, लेकिन 70 आप जब करोगे उस टाइम पे थोड़ा वाइब्रेशन फील होता है। लेकिन इस बाइक को चलाने में इतना ज़्यादा कम्फर्ट है, मतलब मेरे पास जितनी ही बाइक है उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल बाइक यही मुझे लगता है। बैठने की पोजीशन जो है, राइडिंग पोजीशन बहुत ही अलग है, बहुत डिफरेंट है एवेंजर स्ट्रीट 160 का। और ये BS6 मॉडल है गाइस। और पावर जो है ना गाइस बहुत भी नहीं कह सकते और बहुत कम है ये भी नहीं कह सकते, जो भी है ठीक ठाक ही है। तो अभी जैसे कि देख पा रहे हम लोग सिग्नल पे रुके हैं और बाइक को मैंने स्टार्ट ही रखा है, और थोड़ा थोड़ा हम लोग खाली रोड जब मिल रहा है तब बाइक को खींच ले रहे हैं। और बाइक कोशिश कर रहे हैं कि 40 के आसपास रखने का, लेकिन स्पीड को मैं अप डाउन करूँगा। तो जैसे कि गाइस देख पा रहे हो पूरा दम ट्रैफिक भरा पड़ा है इस रोड में। अभी हम लोग ट्रैफिक में चला रहे हैं, बाइक 40 के नीचे है और ट्रैफिक कंडीशन में ही एक दिक्कत है कि बार बार गियर चेंज ब्रेक वगैरह करना पड़ता है। पूरा रोड देखो गाइस पूरा ट्रैफिक भरा है, तो इसमें माइलेज में बहुत ही ज़्यादा अंतर आता है बार बार ब्रेक एंड गियर चेंज की वजह से। मैं हर टाइम यूट्यूब पर जो माइलेज का वीडियो देखता हूँ वो सब लोग करते हैं खाली सा रोड पे, हाईवे पे सिंगल, तो इसमें इजीली गाइस बहुत, तो वैसा टाइप अगर माइलेज करूँगा तो वो सब जानते हैं कि उसमें बहुत ही अच्छा खासा माइलेज निकल के आ जाएगा, क्योंकि उतना ज़्यादा गियर चेंज नहीं हो रहा है, ब्रेकिंग नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन भी उतना नहीं है, एक ही स्पीड में कंटिन्यू राइड कर रहे हो। लेकिन सिटी कंडीशन में अगर बाइक को टेस्ट करोगे तो इसमें रोड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगेगा, ब्रेक बार बार करना पड़ेगा, गियर चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें माइलेज में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, मतलब कम आता है, और जो रियल माइलेज है वो निकल के आएगा। तो बैक टू बैक गाइस हम लोग कंटिन्यू, सिग्नल रेड मिल रहा है और हम लोग जाके रुक रहे हैं, फिर सिग्नल ग्रीन हो रहा है, फिर जा रहे हैं, अभी रुके हैं। और अभी टाइम हो रहा है कुछ गाइस 4:45, बैटरी भी नहीं है इसमें। तो हम लोग अभी जा रहे हैं बिलघुरे एक्सप्रेस वे, जिधर पे थोड़ा हम लोग खाली रोड मिलेगा और बाइक को एकदम खींचेंगे। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, तो देख पा रहे हो कितना सुंदर सन, कितना अच्छा लग रहा है, और हाईवे को ऐसे देख के लगता है कि चले जाए मतलब लॉन्ग राइड पे, कितना प्यारा लग रहा है। और इस टाइम पे बाइक लेके निकलने में बहुत ही मज़ा आता है, अगर खाली रोड मिलेगा तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और इस बाइक बारे में बात करें तो गाइस इस बाइक का ना, तो ये बाइक ना गाइस बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो पहली बात फर्स्ट पॉइंट है इस बाइक जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। सेकंड है गाइस इस बाइक का मेंटेनेंस उतना हाई नहीं है, मतलब नॉर्मल से आप लोगों को मेंटेनेंस मिलेगा 160cc का बाइक होने के लिए जितना मेंटेनेंस मांगता है। और सस्पेंशन जो है ना गाइस वो फ्रंट का सस्पेंशन बहुत ही ओके है, लेकिन रियर सस्पेंशन मुझे थोड़ा सा जो है ट्रैवल और अगर ज़्यादा होता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, मतलब जब गड्ढे वाले रोड पे चलते हैं ना उस टाइम पे थोड़ा पीछे का सस्पेंशन है वो मुझे बढ़िया नहीं लगा, मतलब बहुत ज़्यादा जार्क फील होता है। रियर सस्पेंशन उतना मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन फ्रंट सस्पेंशन बहुत ही अच्छा है, और क्लच गियर वगैरह सब कुछ बहुत ही स्मूथ है। और बाइक 60 या 70 तो ईजी चलता है, लेकिन 80 के ऊपर आप लोगों को थोड़ा वाइब्रेशन फील होगा। और अगर पावर की बात करें गाइस, जो क्विक रिस्पॉन्स जो होता है ना वो मुझे थोड़ा इस बाइक में कम लगता है, थोड़ा मुझे कम लगता है, उतना क्विक रिस्पॉन्स मुझे फील नहीं होता,
मतलब घुमाया और भाई एकदम पागल से जो होता है ना रॉ पावर वो थोड़ा मुझे लैग लगता है बीच बीच में। अगर ऐसे क्या मान लो अभी 70 पे है तो कुछ दिक्कत नहीं, अगर मैं अचानक से थोड़ा लूँ तो उस टाइम पे थोड़ा लैग देता है पावर। तो गाइस थोड़ी देर हम लोग खाली रोड मिला, अभी देखो फिर से ट्रैफिक। तो गाइस फर्स्ट 10 किलोमीटर जो है बाइक कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे लगता है कि भाई 40 तक इजीली चले जाएगा शायद। चलो देखते हैं कितना आएगा, तब लोग पता चल ही जाएगा। आप लोग जा कर रहे हो, आप लोग तो पूरा वीडियो ज़रूर देखोगे। तो गाइस अभी थोड़ी देर हम लोग जो है बाइक का थोड़ा स्पीड लिमिट कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब 40 या 50 के अंदर हम लोग कुछ देर बाइक को चलाएंगे। बहुत देर हो गया कि हम लोग खींच के बाइक चला रहे हैं, अभी कुछ किलोमीटर हम लोग स्लो स्लो चलाएंगे। तो गाइस फाइनली 18 किलोमीटर जो है हो चुका है और अभी हम लोग राइडर एक्सचेंज कर रहे हैं, क्योंकि एक एक जन का जो राइडिंग क्वालिटी अलग होता है, इसके लिए हम लोग अभी राइडर जो है चेंज कर लिए। सो गाइस मैंने राइडर जो है एक्सचेंज कर लिया, अभी बाइक चलाएगा विश्वजीत, क्योंकि अगर राइडर का एक एक राइडिंग स्टाइल होता है, मतलब क्लच करने का, गियर चेंज करने का, ब्रेक चेंज करने का, तो इसमें भी माइलेज का जो है बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। और ऐसा भी नहीं होगा कि आप लोग सिर्फ आप ही बाइक चलाओगे, ऐसा भी नहीं है। तो इसके लिए मैं माइलेज चेंज जो करता हूँ ना भाई बाइक का या स्कूटी का, मैं हर तरह की कंडीशन पर कोशिश करता हूँ कि उसको टेस्ट करने का। इसके लिए आप लोगों का प्यार भी मुझे मिलता है बहुत ही अच्छा खासा ऐसे टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियोस पे। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कितना माइलेज निकल पाता है। तो गाइस अभी हम लोग है दक्षिणेश्वर, इधर पे स्काई वॉक है, अगर राइट साइड पे चले जाएंगे तो दक्षिणेश्वर, और अभी हम लोग जा रहे हैं बाली ब्रिज के तरफ। तो गाइस अभी हम लोग है बाली ब्रिज, मतलब लेफ्ट साइड में गंगा महामद हम लोगों का, और राइट साइड में है ट्रेन की पटरी। तो बाली ब्रिज जैसे कि देख पा रहे हो गाइस ट्रैफिक कंडीशन है, और अभी हम लोग थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, मतलब ब्रेकिंग करना पड़ रहा है, गियर चेंज करना पड़ रहा है बार बार हम लोगों को। तो गाइस देख सकते हो बाली ब्रिज की खासियत है, बाली ब्रिज एक चीज़ अच्छा लगता है कि लेफ्ट साइड में इधर पे बाइक वगैरह चल रहा है, राइट साइड में लोकल ट्रेन, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। लेफ्ट साइड में जैसे कि देख पा रहे हो गाइस पूरा गंगा में हम लोगों का, और उधर पे दक्षिणेश्वर मंदिर। तो इधर पे रुके कुछ फोटोशूट कर लेते हैं हम लोग। तो भाई इधर पे रुक के हम लोग कुछ फोटोशूट वगैरह कर लिए, और अभी मैं चला रहा हूँ और बाइक चल चुकी है 26 किलोमीटर, और अभी टाइम हो रहा है कुछ गाइस 5:26। चलो अभी चलते हैं, देखते हैं बाइक और कितना किलोमीटर चलेगा। एक लीटर पेट्रोल पे 26 किलोमीटर ऑलरेडी हो चुका है। तो गाइस हम लोग फिर से आ गए बेलगढ़ एक्सप्रेसवे छोड़ के नॉर्मल सी रोड पे। तो गाइस फाइनली बाइक चल चुकी है 30.1 किलोमीटर, जैसे कि आप लोग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे देख सकते हो, और फिर से रोड पे ट्रैफिक पूरा जाम, ट्रैफिक वाले रोड पे हम लोग अभी चला रहे हैं, और 30 किलोमीटर तो हो गया है, तो 40 इजीली चले जाएगा मुझे लगता है, होप सो। चलो देखते हैं। और एक बात गाइस, हम लोग ना बाइक को हाई स्पीड में ही टेस्ट कर रहे हैं, मतलब उतना लो स्पीड, मतलब 40-45 के ऊपर बाइक चल रहा है ज़्यादा देर, मतलब 60 अप चल रही है बाइक, जब भी खाली रोड मिल रहा है। 32 किलोमीटर हो गया आयाबूसा। बाइक कभी खींच नहीं सकते गाइस, पूरा रोड जो है कंटिन्यू हम लोग ट्रैफिक में चला रहे हैं, ब्रेक गियर चेंज बार बार करना पड़ रहा है, जैसे कि देख पा रहे हो आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। बहुत देर तक हम लोग खाली से रोड पे चलाया बाइक को, लेकिन अभी मिल रहा है क्योंकि ऑफिस टाइम है, इस टाइम पर थोड़ा तो ट्रैफिक होगा ही रोड पे, और बाइक 40 के ऊपर है बहुत देर से, और सिग्नल पे हम लोगों को मिल रहा है रेड। अभी गाइस सोतपुर मार्केट के अंदर से चल रहा हूँ, और बाइक चल चुकी है 35.4 किलोमीटर, अभी तक तो पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ है और मिसिंग भी नहीं दिया है। चलो देखते हैं, अभी तक थ्रॉटल रिस्पॉन्स पहले की तरह ही है, मतलब एकदम एक बार भी मिसिंग नहीं आया,
तो गाइस बाइक मिसिंग मार रहा है गाइस, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा सिग्नल पे, मत बंद हो मेरे भाई। चल एक साइड में लगा लेता हूँ, मिसिंग तो कर रहा है थोड़ा थोड़ा। झटके देना स्टार्ट हो गया है और बाइक चली है सिर्फ 36 किलोमीटर। मिसिंग दे रहा है गाइस, झटके दे रहा है कंटिन्यू 36.3। चलो देखते हैं कितना किलोमीटर चलता है। सो गाइस बाइक हो गया है बंद, टोटल चली है 36.4 किलोमीटर। एक बार आप लोगों को गाइस टोटल ओडोमीटर दिखा देता हूँ, टोटल ओडो है 13,677 किलोमीटर। तो गाइस एक लीटर में ये बाइक चलेगी, एक लीटर पेट्रोल पे ये बाइक चली है 36.4 किलोमीटर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। 40 तक नहीं गया, मुझे तो लग रहा था कि ये बाइक 40 के ऊपर माइलेज देगा, लेकिन ये है निकला है गाइस माइलेज 36.4। मतलब इतना ज़्यादा रेस्ट बाइक को चलाया, विद पिलियन चलाया बाइक को, फिर इतना माइलेज निकला है। मुझे तो इतना कम मैंने सोचा नहीं था गाइस, मैंने सोचा था कि और भी ज़्यादा माइलेज जो है वो निकल पाएगा इस बाइक से, हो सकता है कि और भी ज़्यादा निकल जाएगा। मैंने सोचा था और भी माइलेज निकलेगा, लेकिन नहीं निकला 36। लेकिन आप लोग अगर सिंगल राइड करोगे हाईवे पे तो 40 मिल जाएगा विद सिंगल। तो एक था गाइस आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना, अगर मेरे चैनल में नए हो चले तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके जाना। तो चलो गाइस मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो पर, और अगर कुछ आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलो मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो पर, सो बाय।